कोरोना को उत्तराखंड में 15 जुलाई को 4 महीने पूरे हो गए हैं। 4 महीने में राज्य में कोरोना का आंकड़ा एक मरीज से 3,800 मरीज तक पहुंच गया है। अब कब ये संख्या 4-5 हजार के पार हो जाए पता नहीं। अब तक उत्तराखंड राहत की सांस ले रहा था, लेकिन बीते 3-4 दिनों में मरीजों की संख्या में आई तेजी ने चिंता बढ़ा दी है कि आखिर फिर से बढ़ती कोरोना की रफ्तार को रोका कैसे जाए। हालांकि अभी राहत की बात यह है कि सरकार का फिर से लॉकडाउन करने का कोई इरादा नहीं है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि सरकार फिर से लॉकडाउन करने की कोई तैयारी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा है कि हालांकि बाजारों को हफ्ते में 2 दिन बंद करने को लेकर व्यापार मंडल के सुझाव आ रहे हैं। व्यापार मंडल चाहता है कि हर हफ्ते शनिवार और रविवार को लॉकडाउन किया जाए, लेकिन सरकार को इस सुझाव से कुछ आशंकाएं हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि वह इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि 2 दिन कंप्लीट लॉकडाउन से बाकी दिनों में भीड़ तो नहीं बढ़ेगी, इसलिए सरकार कोरोना महामारी के बीच भीड़ को कम करने के उपायों पर विचार कर रही है। एक महामारी की वजह से लॉकडाउन में घर में बंद लोग अब बेफिक्र नजर आने लगे हैं। खास तौर पर शहर के बाजारों में जुटने वाली भीड़ बीमारी पर कम और बाजार पर ज्यादा ध्यान दे रही है। शायद इसी का नतीजा है कि करीब 700 एक्टिव केस में सबसे ज्यादा केस 3 मैदानी जिलों में है। देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल जिलों में आंकड़ा 100 के पार है और ये ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। साफ है कि 4 महीने में लोग कोरोना के डर को पीछे छोड़ घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है उससे लोगों की ये बेपरवाही बड़ी मुसीबत का सबब बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।